दिखाइए कितने पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लगा के रखा है। क्या यहाँ पे हम आतंकवादी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देश प्रेमी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतना सिक्योरिटी क्यों रखा गया है? तभी ब्रिज पर प्रदर्शन करने पहुंचे जयसिद भल्ला का प्रदर्शन जो है वो बीच बिचाले रोका गया, उन्हें प्रदर्शन शुरू नहीं करने दिया गया। 144 का हवाला दिया गया और कहा कि यहाँ पर प्रदर्शन करना पूरी तरह से सख्ती से मना है। नजर डालिए इस रिपोर्ट की ओर, क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर जयसिद भल्ला। जरा दिखाइए कितने पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लगा के रखा है। क्या यहाँ पे हम आतंकवादी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम देश प्रेमी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतना सिक्योरिटी क्यों रखा गया है? आप मेरे को एक चीज क्या कहेंगे अपने प्रोटेस्ट के लिए? क्या देखिए परमिशन ही नहीं मिल रही, गुंडा गुंडा गुंडागर्दी रखी हुई है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी महाराजा हरि सिंह पार्क में प्रोटेस्ट करने वाले हैं बीजेपी के खिलाफ, आपको करने नहीं दिया जा रहा है, करने दिया जा रहा, बस बीजेपी ही प्रोटेस्ट कर सकती है, बीजेपी बातें बोल सकती है, बाकी आम बंदों की अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। यहाँ मेरे को ऐसा लगता है बस 10 महीने जम्मू कश्मीर का आप क्यों नहीं दिखाते हो? एलवेश यादव आएगा तो ट्रेंडिंग में चलेगा कि जम्मू में एलवेश यादव आया, मारपीट हुई, ये क्यों नहीं दिखाते हो? जवान शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, आज वो प्रशासन का इस्तेमाल भाजपा कर रही है। हम लड़ाई भी तो ये जवानों के लिए कर रहे हैं, हम जवान भी तो इनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको जैसे प्रशासन ये सब जो है भाजपा ने कैसे मॉनिटर रखा हुआ है बीजेपी के, और आप एक बार सेव जम्मू।